पुलिस पर फायरिंग कर एक साल से फरार महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देसूरी थाना प्रभारी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि 15 मई 2022 को देसूरी पुलिस हरिओम आश्रम के पास नाकाबंदी कर खड़ी थी। नाकाबंदी के दौरान महिला ने पुलिस पर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया। घटना के बाद कार में सवार होकर सभी लोग कार से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की तो 3 युवक 1 महिला भी इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने 3 युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि गाड़ी को भी जब्त किया था, लेकिन महिला जब तभी से फरार चल रही थी। पुलिस ने महिला पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था।